तो बाबलो, किस किस ने एपिसोड 9 देख लिया है और कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी को? सिर्फ मुझे ही घटिया लगा या तुम्हें भी? भाई, एंडिंग सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड था और इतना कम तो एक्सपेक्ट नहीं करा था इससे। फीलिंग्स की तसरीफ ही फाड़ दी इन्होंने। सिर्फ एंडिंग को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं था बाबा एपिसोड में। चलो शुरुआत करते हैं। बाकी यू ऑल आर वेरी अमेजिंग ऑडियंस, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखो, अच्छा लगता है। बाकी कौन कौन एक्साइटेड है ड्यून प्रोफेसी वेब सीरीज के लिए भी, जिसका फर्स्ट एपिसोड आज ड्रॉप हो गया है, जिस पर रिव्यू, एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन वीडियो आज ड्रॉप हो जाएगा शाम तक। बाबा ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। देखो, एपिसोड 9 की एंडिंग सुपर सॉलिड थी। बहुत से सवाल छोड़कर जाती है इस एपिसोड की एंडिंग, जहां हमने देखा कि टैबिथा एंड जूली उस आंकुई चाइल्ड को पीछे पीछे उस रूट सेलर तक जाते हैं जहां फातिमा को एलजिन ने छुपा रखा है। बट उससे भी पहले विक्टर वहां मौजूद था एंड सडनली विक्टर को याद आता है कि लास्ट टाइम उसकी मॉम मिरांडा यहीं उसे छोड़कर फारवे बॉर्डर ट्री पर भाग कर चली गई थी, और तभी टैबिथा विक्टर को गले लगा लेती है। लेकिन रूट सेलर में घुसने से पहले ही, पहला कदम रखते ही, टैबिथा को एक स्पार्कल विजन आता है जो अभी तक उसे क्लियरली समझ में नहीं आया था। जो चीज तब क्लियरली टैबिथा को समझ में आती है जब विक्टर को गले लगाती है। टैबिथा को एक सॉलिड विजन आता है जहां वो मिरांडा को देखती है जो लास्ट टाइम उस फार वे बॉटल ट्री में जाने से पहले विक्टर और विक्टर की सिस्टर यानी अपने दोनों बच्चों को गले लगाती दिखती है। देन भाग कर फार वे बॉटल ट्री पर चली जाती है और तभी स्माइली मॉन्स्टर अटैक कर देता है। बाबा, सवाल अब ये आता है कि टैबिथा को ही ये विजन क्यों आया? देखो, इस चीज पर पहले भी बहुत से डिस्कस कर लिया था कि टैबिथा पिछले जन्म में थी, लेकिन जब ये सीन आया भाई, मुझे एक बार के लिए लगा कि टैबिथा कहीं विक्टर की बहन तो नहीं है, और मिरांडा ने टैबिथा और विक्टर को गले लगाया, मतलब लास्ट फेयरवेल लिया होगा और भागकर फारवे बॉर्डर ट्री पर चली गई होगी। देखो, एक बार के लिए माने तो बाबा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन श्योरिटी बहुत कम है, क्योंकि दूसरे एंगल से देखें कि टैबिथा ही मिरांडा थी तो बाबा यस, क्योंकि इसका कॉन्फर्मेशन मुझे तब लगा जब टैबिथा को क्लियर विजन मिरांडा का उस फारवे बॉटल ट्री तक जाने का आया और उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वो जूली भी जब उसे टच कर रही थी तो वो ट्रॉमाटाइज फील कर रही थी, बहुत डरी हुई फील कर रही थी। और भाई, कोई भी ऐसा तभी रिएक्ट करता है जब कभी पास्ट में उसी शख्स के साथ ऐसी घटना घटित हुई हो, और टैबिथा का ये डरा हुआ लुक इस बात का जवाब देता है कि जब स्माइली मॉन्स्टर ने मिरांडा को मारा और पिछले जन्म में टैबिथा को मारा तो उसे सब कुछ याद आया, वो थ्रेट, एक एक मोमेंट, स्माइली का हर एक वार। दैट्स वाई कि वो इतना पेनफुल डरा हुआ रिएक्शन दे रही थी। और यह सूत्रों से भी यही पता लगा है, यानी सुनने में आया है कि टैबिथा ही मिरांडा थी। दूसरा, मिरांडा के बाल भी काले हैं, टैबिथा के बाल भी काले हैं, और जो बेबी टैबिथा देखने को मिली थी 56th एपिसोड में, भाई उसके भी बाल काले थे, लेकिन विक्टर की बहन के बाल काले नहीं हैं। तो यस, यहाँ से बाबा कन्फर्म होता है कि टैबिथा विक्टर की सिस्टर तो नहीं है, टैबिथा विक्टर की मॉम ही है पिछले जन्म की। और दूसरा, मेकर का ये एंडिंग याददाश्त वाला सिक्वेंस बहुत अमेजिंग था, मतलब पूरा पास्ट दोहराया, वही सेलर रूट, मिरांडा अपने दोनों बच्चों के साथ, प्लस स्माइली मॉन्स्टर, एंड अगेन दिस टाइम टैबिथा अपनी बेटी जूली के साथ, और विक्टर टैबिथा के पिछले जन्म का बेटा, और साथ में फातिमा के पेट पर वो स्माइली मॉन्स्टर बेबी। तो बाबा, ये याददाश्त कनेक्शन फुल लॉजिकल था और इसलिए दमदार भी लगा। मतलब देखा जाए तो टैबिथा फिर से अपने दोनों बच्चों के साथ ही है। तो भाई, ये एंडिंग सॉलिड थी। और किस किस को लगता है अभी भी कि टैबिथा विक्टर की सिस्टर ही होगी, भाई जरूर बता के जाना। लेकिन देखने लायक मोमेंट वो होगा कि टैबिथा की बात पर यकीन कौन कौन करता है, और इसी के साथ टैबिथा को और भला क्या क्या याद आएगा बाद में, और वो आगे लास्ट एपिसोड में देखेंगे कहानी कहाँ बिल्डअप लेती है। बाकी एक मोमेंट और दमदार लगा इस स्टोरी का, इस एपिसोड का, जब वो क्रिस्टोफर एंड जेस्पर दोबारा से जेट को दिखाई देते हैं। तो बाबा, मैं आपको बता दूं, जेड ही क्रिस्टोफर होने वाला है, और ये खुलासा शायद लास्ट एपिसोड में हो जाएगा। बट मैं एक्साइटेड हूं उस पॉइंट के लिए कि जेड एंड टैबिथा को ये कैसे याद आएगा कि वो दोनों स्टार्टिंग में जब इस फ्रॉमविली टाउन पर रह रहे थे तब वो कपल थे, यानी हस्बैंड एंड वाइफ थे। भाई, ये वाला मोमेंट मेकर कैसे क्रिएट करने वाला है? मे बी ये मोमेंट मेकर एपिसोड 10 के लास्ट एंडिंग पार्ट पर जरूर रख सकता है। और बाबा, नो डाउट 10th एपिसोड सही में बवाल होने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हेनरी का आखिर रोल क्या होने वाला है, और हेनरी जेड के साथ ही क्यों इतना देखने को मिल रहा है, और आखिर काहे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है इस कैरेक्टर का मेकर। वैसे हेनरी को पता चलेगा कि टैबिथा पिछले जन्म की मिरांडा है, यानी उसकी वाइफ, भाई हेनरी के मुंह से तो लार टपक जाएगी। तो देखते हैं बाबा, ये आगे क्या होने वाला है। लेकिन किसी ने नोटिस किया, रूट सेलर के अंदर फातिमा को एक अंडरग्राउंड सुरंग का दरवाजा भी मिला है, तो इसकी क्या मिस्ट्री होगी? देखो, सूत्रों से पता चला है कि किमिनो मोमन फातिमा की डिलीवरी करने के बाद स्माइली मॉन्स्टर को लेकर चली जाती है, लेकिन
जाएगी कहाँ, बाहर तो जा नहीं सकती। तो मे भी इस दरवाजे से वो उस गुफा तक जाएगी उन मॉन्स्टर्स के बीच में, और उनके बीच स्माइली मॉन्स्टर को रख देगी, और स्माइली मॉन्स्टर तुरंत फुली ग्रोन अप भी हो जाएगा। तो मे भी वो दरवाजा वही हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस दरवाजे का कनेक्शन उस गुफा तक हो जहाँ आंकुई चिल्ड्रन कैद हैं, और शायद टाइम ट्रेवल के लिए भी ये दरवाजा मदद कर सके। कुछ भी हो सकता है भाई, मिस्ट्री है, देखते हैं एपिसोड 10 में क्या होता है। लेकिन विक्टर को बॉय इन वाइट दिखाई दिया, बट काफी चेंज, और ये चीज एपिसोड में भी एड्रेस करी गई है, जहां विक्टर ने बॉय इन वाइट से खुद बोला कि तुम काफी बदल गए हो, और बदले में बॉय इन वाइट ने भी कहा कि काफी कुछ चेंज हो चुका है यहां पर। भाई मुझे लगता है कि बॉय इन वाइट भी परेशान हो चुका है इन सब बेवकूफों से, कि इतनी हिंट मैं तुम्हें दे चुका हूं, फिर भी साला इनसे मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो रही, जबरदस्ती खींचे ही जा रहे हैं। खैर इसमें टाउन की गलती नहीं है, उनके लोगों की गलती नहीं है, इसमें मेकर की गलती है, वो जबरदस्ती इस शो को खींचे ही जा रहे हैं। देखो बॉय इन वाइट फिलहाल विक्टर को फारवे बॉटल ट्री काटने से तो रोक दिया, और इससे यही जाहिर होता है कि फारवे बॉटल ट्री इंपॉर्टेंट तो है। दूसरा, एंडिंग में हमने देखा मिरांडा फारवे बॉटल ट्री पर भाग कर जा रही थी, और उसे रोकने का काम स्माइली मॉन्स्टर ने किया। तो जिस डेडिकेशन के साथ मिरांडा भागकर जा रही थी उस ट्री तक, तो मे बी मिरांडा को कुछ जबरदस्त सुराग मिला होगा, और टैबिथा को अपना पुराना जन्म याद भी आ गया है। दैट्स वाई कि बॉय इन वाइट ने हार्डली इंटरफेयर किया विक्टर को, जो शायद टैबिथा फिर से पुरानी याददाश्त के साथ कोई क्ल्यू ढूंढ पाएगी, लेकिन मंजर फिर वही रिपीट होते नजर आ रहा है, क्योंकि अगले एपिसोड में स्माइली मॉन्स्टर पैदा हो जाएगा और बहुत तेजी से फुल ग्रोन अप भी हो जाएगा। मेरे पास स्माइली मॉन्स्टर की पिक्चर भी है इंस्टेंट ग्रोन अप की, लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ आप देख लेना, जो इसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना। तो बाबा अगर टैबिथा को याददाश्त आई है तो सामने दुश्मन भी आ गया है। अब इस बार टैबिथा सफल हो पाएगी या नहीं, वो मंजर देखने लायक होगा, जो मे बी 10th एपिसोड में ना ही दिखाएं, शायद नेक्स्ट सीजन तक ले जाएंगे इसको मेकर, या फिर 10th एपिसोड की एंडिंग में सिक्वेंस एस्टेब्लिश होते नजर आएगा ये एक बार के लिए, फिर से वही मंजर कि टैबिथा भी उस फारवे ट्री तक पहुंच गई है और सामने स्माइली मॉन्स्टर खड़ा होगा, एंड द एपिसोड की एंडिंग बूम। देखते हैं बाबा, काफी कुछ सवाल अभी भी सवाल बन के ही रह गए हैं। अब मिलते हैं 10th एपिसोड के प्रोमो ब्रेकडाउन वीडियो में, जिसमें लिटरली बहुत कुछ है बात करने को, कुछ न्यू थ्योरीज एंड क्ल्यूज भी हैं मेरे पास। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कहानी अब क्या हो सकती है आगे के लिए। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भी मन में कोई भी सवाल है, बहुत से सवाल होंगे, जरूर नीचे कमेंट उसको बता के जाना। एपिसोड 9 में क्या चीज़ आपको खास लगी, कुछ क्ल्यू, कुछ हिडन थ्योरी, कुछ हिडन डिटेल आपको नोटिस हुई होगी, जरूर बता के जाना। मिलते हैं बाबा, जय हिंद।